नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रज्वल और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी डॉट कॉम का टॉप 20 बुलेटिन। लॉरेंस बिश्नोई को 7 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा गया मोहाली। मूसेवाला हत्याकांड में एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स करेगी पूछताछ। नेशनल हेराल्ड मामले में आज तीसरे दिन फिर राहुल से पूछताछ करेगी ईडी। अकबर रोड पर धारा 144 लागू। ईडी की पूछताछ से पहले राहुल गांधी से मिलने पहुंची प्रियंका गांधी। आज फिर होनी है ईडी ऑफिस में पेश। ईडी की पूछताछ के खिलाफ कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना। कहा इतिहास में काले अध्याय के तौर पर देखे जाएंगे ये 8 साल। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने बैंक मैनेजर की मौत का लिया बदला। सेना ने ढेर किए लश्कर के 2 आतंकी। राष्ट्रपति चुनाव से पहले ममता बनर्जी ने की शरद पवार से मुलाकात। उम्मीदवार के नाम पर लगेगी मोहर। आज जालंधर में रैली करेंगे अरविंद केजरीवाल। दौरे से पहले दीवारों पर लिखे मिले खालिस्तान के सपोर्ट वाले नारे। केंद्र सरकार ने जारी की नई अग्निपथ स्कीम। 4 साल के लिए सेना में भर्ती होंगे युवा, बाद में मिलेगा सेवा निधि पैकेज। अग्निपथ योजना को लेकर सरकार का बड़ा ऐलान। 4 साल सेना में ड्यूटी के बाद अग्निवीरों को CAPFs और असम राइफल्स में भर्ती में प्राथमिकता देने का लिया निर्णय। बिहार में युवाओं ने कई स्थानों पर किया सेना की अग्निपथ स्कीम का विरोध। ट्रेन पर पथराव के साथ जाम किया हाईवे। बोरवेल से 105 घंटे बाद सुरक्षित बाहर निकाला गया राहुल। सीएम बघेल ने दी सभी को बधाई। रांची हिंसा में उपद्रवियों पर पुलिस का एक्शन जारी। हिंसा करने के आरोप में अब तक 29 लोग हो चुके हैं गिरफ्तार। रांची हिंसा के बाद योगी की राह पर चली सोरेन सरकार। कानपुर की तरह 33 पत्थरबाजों के पोस्टर किए जारी। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका पर कोर्ट ने सुरक्षित रखा आदेश। अब 18 जून को फैसला होना संभव। देश में कोरोना वायरस ने पकड़ी रफ्तार। एक दिन में मिले 8,822 कोरोना संक्रमित मामले। एक्टिव केस पहुंचे 50,000 के पार। मंकी पॉक्स को हेल्थ इमरजेंसी घोषित कर सकता है WHO। अगले हफ्ते बुलाई आपदा बैठक। आज फिर शुरुआती कारोबार में शेयर बाजार में दर्ज की गई गिरावट। सेंसेक्स 153 अंक तो वहीं निफ्टी 39 पॉइंट नीचे गिरा। विशाखापट्टनम में खेले गए तीसरे T20 मैच में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 48 रन से हराया। 5 मैचों की T20 सीरीज में 2-1 से दक्षिण अफ्रीका है आगे। भारतीय फुटबॉल प्रशंसकों के लिए अच्छी खबर। लगातार दूसरी बार AFC एशियन कप के लिए भारत ने किया क्वालिफाई। इंग्लिश क्रिकेटर जेम्स एंडरसन ने रचा इतिहास। टेस्ट क्रिकेट में 650 विकेट लेने वाले बने दुनिया के पहले तेज गेंदबाज। फिलहाल इस न्यूज बुलेटिन में इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी.com।